हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट एसे ऑन काउ। आज मैं काउ पे ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगे तो बेल आइकन को लाइक बटन को क्लिक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। काउ, सो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। काउ इज़ अ वेरी यूजफुल पेट एनिमल। काउ एक बहुत ही यूजफुल पेट एनिमल है। इट इज़ अ सक्सेसफुल डोमेस्टिक एनिमल केप्ट बाय पीपल एट होम फॉर मैनी पर्पसेस। इसे घर पे रखते हैं बहुत सारे पर्पसेस की वजह से, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जैसे काउ गिव्स मिल्क। ओके, इट इज़ अ फेवर फोटेड फीमेल एनिमल हैविंग अ लार्ज बॉडी, टू हॉर्न्स, टू आइजेस, टू ईयर्स, वन नोज, one nose, one mouth, one head और big back and stomach। So आपने काउ तो देखी होगी तो आपको पता ही होगा ये सब होगा। काउ काउ की दो आँखें होती है, दो सींग होते हैं, दो कान होते हैं, ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। She eats large amount of food in one time। Yeah, जो फीमेल काउ होती है ना वो एक बार में बहुत ज़्यादा फूड खाती है। वो बहुत फीमेल काउ बहुत बड़ी भी होती है। हाँ इसमें या और वो एक वन टाइम में बहुत ज़्यादा फूड खाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। शी गिव्स अस मिल्क टू मेक अस अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। या काउ जो होती है फीमेल, वो मिल्क देती है हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। सॉरी, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो मिल्क नहीं देती, मीन्स कि वो मिल्क देती है जिससे हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इट कीप अस अवे फ्रॉम द डिजीज एंड इन्फेक्शंस बाय इंक्रीजिंग अवर इम्यूनिटी पावर। या मिल्क अपनी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है, सो उससे हम डिजीज और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। और अभी तो मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट भी होगा। वाई? बिकॉज COVID-19। ओके, कोरोना वायरस अभी बहुत फैल रहा है, सो मिल्क पियो और इम्यूनिटी बढ़ाओ। शी इज अ स्कैर्ड एनिमल एंड वर्शिप इन इंडिया लाइक गॉडेस। या इंडिया में काउ को माता माता माना जाता है। जो फीमेल काउ होती है उसे बोलते हैं कि गाय माता। ओके, शी हैज़ बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ मदर या इन हिंदू सोसाइटी एंड कॉल्ड अस गौ माता। ओके, इट इज़ अ वेरी फेमस मिल्क गिविंग एनिमल यूजफुल फॉर मैनी पर्पजेज इन हिंदू रिलीजन। इट इज़ कंसिडर्ड एज गॉड गोदान इन द बिगेस्ट दान इन द वर्ल्ड। या इंडिया में जो मतलब कि गाय माता के नाम पे दान किया जाता है उसको सबसे बड़ा दान बोलता है, गोदान। काउ इज अ स्कैर्ड एनिमल टू हिंदूज। काउ गिव अस लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑल थ्रू हर लाइफ एंड इवन आफ्टर हर डेथ। काउ बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है जब तक वो जीती है तब तक, और उसके डेथ के बाद भी। शी गिव्स अस मिल्क काल्फ, आइदर फीमेल काउ और मेल काउ। काल्फ काउ काल्फ उसका बच्चा कॉडंग, गोबर बोलते हैं ना, छाण कॉडंग, वो खेती में वो खाद खातर बोलते हैं उसका, वो डालने के लिए काम आता है। गौमूत्र, या गौमूत्र भी बहुत ही मतलब कि है होता है बेनिफिशियल। वाइल लिविंग एंड लॉट्स ऑफ लेदर एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स आफ्टर डेथ। उसके स्ट्रॉन्ग बोन्स उसके डेथ के बाद काम आते हैं, मीन्स जब तक वो जीती है तब तक तो हमारे लिए यूजफुल होती है, बट जब उसकी डेथ होती है फिर भी वो हमारे लिए यूजफुल होती है। सो वी कैन से दैट हर होल बॉडी इज यूजफुल टू अस। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी पूरी बॉडी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। वी कैन गेट लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मिल्क गिवन बाय हर। हाँ, जो वो दूध देती है उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक घी, क्रीम, बटर, कर्ड, दही, वही कर्ड और दही, फिर ये भी बनता है चीज़ भी, आई थिंक मिल्क में से ही बनता है, या मिल्क में से ही बनता है। वे
कंडेंस्ड मिल्क, वैरायटी ऑफ स्वीट्स एक्सेट्रा. या काउ का मिल्क जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए. हर कॉडंग एंड यूरिन इज हाईली यूजफुल टू फार्मर्स और फॉर मेकिंग नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स. मैंने पहले ही बोला कि ये फर्टिलाइजर मीन्स खातर बोलते हैं गुजराती में. बहुत ही नेचुरल फर्टिलाइजेशन होते हैं ना, उसके लिए बहुत काम आता है प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स एक्सेट्रा. ओके, शी ईट ग्रीन ग्रास, फूड्स, ग्रेन्स, हे एंड अदर ईटेबल थिंग्स. या वो ग्रीन ग्रासेस, फूड्स, ग्रेन्स ये सब खाती है, वेजिटेरियन है. शी यूजेज हर वन पैर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड टाइट हॉर्न्स टू अटैक ऑन पीपल हैज डिफेंस ऑर्गन्स टू सेव हर चाइल्ड. वो प्रोटेक्ट करती है अपने चाइल्ड को कि कोई पीपल उसके चाइल्ड को परेशान ना करे या कोई परेशान करता हो तो उसके हॉर्न से उसे मारती है. शी ऑल्सो यूजेज हर टेल सम टाइम टू अटैक. या कभी कभार अटैक करने के लिए वो टेल का भी यूज़ करती है. ऐसा ज़रूरी है कि जो परेशान करता है उन्हें. कभी कभार हम टच करने जाते हैं तो उसे तो पता नहीं होता कि हम परेशान नहीं कर रहे. कोई कोई ऐसे होते हैं ना जो टच करने जाते हैं तो उसे पता नहीं होता, तो टेल से भी अटैक करती है, मैंने देखा है. शी ऑल्सो हैज स्मॉल हेयर ऑन हर बॉडी. उसकी बॉडी पे स्मॉल हेयर्स भी है. शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स ऑन अ टिप ऑफ हर टेल. उसकी टेल के टिप पे मतलब नीचे जो होता है ना लास्ट पॉइंट, उस पर बहुत सारे लॉन्ग हेयर्स होते हैं. एंड यूजेज देम, सॉरी, शी ऑल्सो हैज स्मॉल हेयर ऑन हर बॉडी एंड यूजेज देम फ्राइटन अवे द फ्लाइज. शी हैज़ हाईली हेल्प्ड इन ह्यूमन लाइव फॉर ईयर्स इन मैनी वेज. वो हमारे लिए बहुत ही बहुत वेज से हेल्पफुल है. शी हैज़ बीन रीजन ऑफ अवर हेल्दी लाइव फ्रॉम more than thousands of years. The origin of cow on the earth for nourishing the human lives has great history been. We all should know her importance and necessities in our lives. हम सबको पता है कि cow की importance क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है हमारी life में. Okay, and the respect her forever. So उसकी respect करते हैं हम हमेशा, और जो नहीं करते उन्हें करनी भी चाहिए. काऊ को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड नेवर हर्ट, या हमें उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए. कोई कोई होते हैं ना जो पत्थर मार के भगाते हैं और ये सब, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें. वी शुड नेवर हर्ट काऊ एंड गिवन देम प्रॉपर फूड एंड वाटर टाइमली. हमें अब कभी भी काऊ को हर्ट नहीं करना चाहिए और उसे प्रॉपर फूड देना चाहिए समय से. और कोई कोई होते हैं ना कि जो काऊ के लिए जैसे फूड लेके जाते हैं कहीं पे, या जहाँ पे काऊ खड़ी रहती हो, सो वहाँ पे प्लीज़ अगर आप फूड लेके जाओ तो प्लास्टिक बैग को निकाल के उसे फूड दो, क्योंकि प्लास्टिक बैग काऊ के लिए अच्छी, काऊ के लिए क्या, लिविंग बींग्स के लिए अच्छी नहीं होती. उसे तो पता नहीं है कि वो प्लास्टिक बैग खाने की नहीं है और वो खोल भी नहीं सकती. सो प्लीज़ जो भी फूड आप डालते हो काऊ के लिए या वो खाती है, सो प्लास्टिक बैग में लेके जाते हो तो प्लीज़ प्लास्टिक बैग को खोलो और उसके बाद उस डालो नीचे और वो प्लास्टिक पर लेके डस्टबिन में डालो. ओके, काउ डिफरेंस इन इट्स कलर, साइज एंड शेप फ्रॉम रीजन टू रीजन. काउ डिफरेंस होती है, बहुत सारी काउ, कोई वाइट ब्लैक मिक्स होती है, कोई पूरी वाइट होती है और कोई हाफ पूरी ब्लैक होती है. सम काउज आर स्मॉल, बिग, वाइट, ब्लैक एंड सम आर ऑफ अ मिक्सड कलर. या ओके, सो दिस एज अ वर्स कम्प्लीट. सो थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट कीजिए. और आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे चाहिए, एनी टॉपिक, प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं उस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाऊँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी. और इसे शेयर कीजिए. और आपको गुजराती और हिंदी लैंग्वेज में भी कोई भी ऐसे स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पक्का उस पर एक वीडियो बनाऊँगी. सो थैंक यू. सब्सक्राइब माय चैनल. हैव अ नाइस डे.